हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स की आती है, जिसमें हमें हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनको आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस ट्रिक से आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आसानी से याद रख सकते हैं और आप लोग कभी भूलेंगे भी नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइन की वैल्यूज निकालेंगे। साइन की वैल्यूज निकालने के लिए हम 0 डिग्री के नीचे 0 लिखेंगे, 30 के नीचे 1, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें सबको 4 से डिवाइड कर देना है। अब हमें इसके ऊपर अंडररूट चढ़ा देना है सबके ऊपर। अब आप लोग जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे आपके पास साइन की वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए, किसी के भी ऊपर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसको सॉल्व करेंगे, अंडररूट 1 तो 1 हो जाएगा, अंडररूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ये आ जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, ऊपर बचा 1, 1 का अंडररूट 1 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा अंडररूट 2। अब देखिए, ऊपर है अंडररूट 3, नीचे आएगा अंडररूट 4, अंडररूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1। देखिए, हमारे पास साइन की वैल्यूज आ गई हैं, अब हमें कॉस की वैल्यूज निकालनी है। कॉस की वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा करेंगे, हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम 1 लिख देंगे, फिर लिखेंगे ये अंडररूट 3/2, फिर ये लिखेंगे 1/√2, फिर लिखेंगे ये 1/2, फिर 0। अब हमारे पास साइन की वैल्यूज भी आ गई है, कॉस की वैल्यू भी आ गई है। हमें पता है टेन क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास टेन की वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारे पास पहले है 0 और 1, साइन की वैल्यू है 0 और नीचे है 1। जब ऊपर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो हमारे पास यहां आ जाएगा 0। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ऊपर है 1/2 और नीचे है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 1/√3। यहां आ जाएगा हमारे पास 1/√3, यहां भी 1/√2 है, यहां भी 1/√2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा ओनली √3, यहां हो जाएगा 1/0। जब नीचे 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटिव या फिर नॉट डिफाइंड। अब हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan θ। इसका मतलब क्या हो गया, टेन की सारी वैल्यूज को हम उल्टा कर देंगे। जब हम 1/0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव, यहां आ जाएगा इन्फिनिटिव। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, ये हो जाएगा 1। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। आप देखिए, इन्फिनिटिव को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, हम यहां देखते हैं, इन्फिनिटिव क्या होता है, 1/0, और जब इसको उल्टा करते हैं तो क्या आ जाता है, 0/1, ये हो जाता है 0। आप बस ये याद रखिए, इन्फिनिटिव का उल्टा क्या होता है, 0। अब यहां इन्फिनिटिव है तो यहां क्या आ जाएगा, 0। अब हमें निकालनी है sec की वैल्यू। sec क्या होता है, 1/cos θ, तो cos की वैल्यूज को उल्टा कर देंगे, हमारे पास sec की वैल्यूज आ जाएंगी। cos 0 की वैल्यू है 1, 1 को उल्टा करेंगे 1 ही रहेगा। इसको उल्टा करेंगे ये हो जाएगा 2/√3, इसको उल्टा करेंगे ये हो जाएगा √2, इसको उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा, और 0 को उल्टा भी क्या बताया, क्या होता है, इन्फिनेटिव। अब हमें लास्ट निकालनी है cosec की वैल्यूज। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। अब हमें साइन की वैल्यूज को उल्टा करना है। जब हम 0 का उल्टा भी क्या बताया था, इन्फिनेटिव, 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनेटिव। इसको उल्टा करेंगे 2 आएगा, इसको उल्टा करेंगे √2 आएगा, इसको उल्टा करेंगे 2/√3 आएगा, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से आप इस पूरी टेबल को याद रख सकते हैं। यहां मैंने आपको समझाया इसलिए ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन आप लोग एग्जाम में बहुत आसानी से इस टेबल को बना सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।